प्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने संस्कृत का पाठ 10 जन्मदिनम की शीट लेकर। तो बच्चों, इस पाठ में आपको जन्मदिन के बारे में बताया जाएगा कि आप जन्मदिन अपना कैसे मनाते हैं, और इसमें बच्ची सुरेखा है, उसका जन्मदिन है, वो अपना जन्मदिन कैसे मना रही है। ठीक है बच्चों, तो पाठ शुरू करते हैं। अद्य सुरेखाया जन्मदिनम अस्ति, आज सुरेखा का जन्मदिन है। सुरेखा प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति, सुरेखा सुबह को जल्दी उठती है। स्नानम करोति, स्नान करती है। नूतनानि वस्त्राणि धरति, नए नए कपड़े पहनती है। माता पितरौ नमति, माता और पिता को नमस्कार करती है। गृह जनाः गृहम अलंकुर्वन्ती, अपने घर वालों के साथ घर को सजाती है। सुरेखा दूरभाष माध्यमेन मित्राणि कथयति, अद्य मम जन्मदिनम अस्ति। सुरेखा फोन के द्वारा अपने मित्रों को बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है। सायं सप्तवादने अवश्यम आगच्छन्तु इति, शाम को 7 बजे अवश्य आना। इस प्रकार वो अपने दोस्तों से कहती है। अब बच्चों, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहला शब्द है अद्य, जिसका अर्थ होता है आज। उसके बाद है नूतन वस्त्राणि, अर्थात नए कपड़े। नूतन का अर्थ होता है नए और वस्त्राणि का अर्थ होता है कपड़े। इसके बाद है अलंकुर्वन्ती, जिसका अर्थ होता है सजाते हैं। फिर है मम, मम का अर्थ होता है मेरा। इसके बाद है सप्तवादने, इसमें बच्चों दो शब्द मिले हुए हैं, सप्त प्लस वादने। सप्त का अर्थ होता है 7 और वादने का अर्थ बजे, यानी 7 बजे। इसके बाद है करतांडनम, इसका मतलब ताली बजाना। फिर है तान, तान का अर्थ होता है उन सबको। और अंतिम शब्द है उपहारम, जिसका अर्थ होता है उपहार या गिफ्ट। गिफ्ट यानी वही गिफ्ट जो आपको भी मिलते हैं आपके जन्मदिन पर, और आप भी अपने दोस्तों को देके आते होगे, तो वही उपहार या गिफ्ट। इसके बाद बच्चों अभ्यास दिया हुआ है, जिसमें लिखा है उच्चारण कुरुत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत, अर्थात उच्चारण करिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी अपनी कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले है उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति। फिर है अलंकरोति, अलंकुरुतः, अलंकुर्वन्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति। बच्चों ये रूप हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में जो क्रिया होती हैं उसके रूप हैं। ये आपको बोलकर लिखने हैं अपनी अभ्यास कॉपी में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये शीट ख़त्म होती है। इसके अलावा आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये लिखना है कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, अर्थात आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं, या आपके घर पर क्या क्या होता है, जैसे आप कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, आपकी मम्मी क्या बनाती है, आप किन किन दोस्तों को बुलाते हैं। तो ये सब आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये शीट समाप्त होती है। अगली शीट लेकर फिर जल्दी मिलूंगी। बाय बाय।